उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले को सूर्य प्रताप सिंह ने एक बार फिर से गौरवान्वित होने का मौका दिया है। दरअसल सूरज ने सेना में लेफ्टिनेंट बनकर माँ बाप के साथ ही अपने पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। इसके चलते सूरज के परिजनों समेत पूरे इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि घर पहुंचने के बाद लेफ्टिनेंट सूरज ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। उनके परिजनों ने सूरज का जोरदार स्वागत किया, साथ ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। सर आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम लेफ्टिनेंट सूरज प्रताप सिंह राठौर है। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 4 साल पहले। टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये एक एंट्री है आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए, जिसमें कि आप पहले 1 साल तक प्री कमीशन ट्रेनिंग करते हैं ऑफिसर सीनियर अकेडमी गया में। उसके बाद आप 3 साल की ग्रेजुएशन बीटेक डिग्री करते हैं इन वन ऑफ द CDWs, जैसे कि पुणे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे कॉलेज ऑफ EME सिकंदराबाद या फिर मऊ। उसके बाद आप कमीशन होने आते हैं ऑफिसर सीनियर अकेडमी गया में। देन कमीशन होने के बाद आप पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग करते हैं 1 साल और इन वन ऑफ द CDW, देन यू गेट पोस्टेड टू डिफरेंट यूनिट्स जहाँ भी आपकी यूनिट पोस्टेड होगी। तो आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, 4 साल की ट्रेनिंग थी जी। आप जिले में लेफ्टिनेंट बन के आए हैं पहली बार, कैसा महसूस कर रहे हैं? लोग बधाई देने आ रहे हैं आपको, आपने जिले का नाम रोशन किया, साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील होता है और अच्छा लगता है। मतलब यूथ और जो बच्चे हैं आसपास के काफ़ी अच्छा, अगर एक भी ऐसा बंदा है जिसको मैं मोटिवेट कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ से, अपनी मेहनत से या फिर अपने जो भी मैंने किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये आपके लिए एक जिले के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिले के यूथ के लिए क्या कहेंगे, युवाओं के लिए क्या कहेंगे, या देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिले के यूथ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें, सीधा सक्सेस के पीछे ना भागें। सक्सेस की जर्नी को एंजॉय करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा सक्सेस की जर्नी को एंजॉय करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे और उतना ज़्यादा फिर आप उस लर्निंग को आगे यूज़ कर सकते हैं अपनी सर्विस में या फिर जो भी आप आगे करके करेंगे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? मेरी एजुकेशन हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ से। मैंने अपनी 10th और 12th दोनों ही यहाँ से की है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर अभी डिफेंस सिक्योरिटी कोर में, राइट नाउ इज पोस्टेड इन 19 FAD जोधपुर। वो भी सेना में है? हाँ, ये एक्चुअली वो पहले आर्मी मेडिकल कोर में थे, देन 2015 में वो रिटायर हुए और फिर उन्होंने ये डिफेंस सिक्योरिटी को ज्वाइन करने का सोचा है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो रिटायर लोग होते हैं एयरफोर्स नेवी और आर्मी के, वो बेसिकली इसमें ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर रिटायर। आपके पिताजी भी सेना में हैं, आप भी सेना में हैं, तो कैसा मोटिवेशन किया माता पिता ने, मतलब कैसे क्या रहा? ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर रहता है किसी भी बच्चे के लिए, जब वो बचपन से उसी माहौल में बड़ा होता है, अपने फादर को देखते हैं यूनिफॉर्म पहनते हुए, तो उसके अंदर भी वो डिसिप्लिन की चीज़ें वो लाने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि हाँ आगे चल के मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी ऐसे यूनिफॉर्म पहनूं, मेरे को भी मतलब लोग रिस्पेक्ट करें, लोग सल्यूट करें। वहीं पिता सुनील प्रताप सिंह और माता रजनी सिंह ने बताया कि उसकी रुचि शुरू से ही सेना में जाने की थी और उसने कठिन परिश्रम कर ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि अच्छा लगता है सूरज देश की सेवा करेगा, इससे ज्यादा माता पिता के लिए खुशी की क्या बात होगी। मेरा नाम सुनील प्रताप सिंह। आप ये बताएं, आपका बेटा जो लेफ्टिनेंट बना है, जिले में पहली बार आया, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे काफी गर्व हो रहा है अपने बेटे के ऊपर, और मैं सेना में एक सिपाही था और अभी भी आर्मी में जॉब कर रहा हूँ, दूसरा जॉब कर रहा हूँ, जो DSC आर्मी रिटायर्ड पर्सन लगते हैं इसमें, तो मुझे तो मेरे सिपाही के लिए तो काफी बड़ी बात है कि मेरा लड़का ऑफिसर बना। बचपन में कैसे थे ये? बचपन में ही इसकी जो इच्छा थी आर्मी में जाने की थी, ऑफिसरों की ये एक्टिविटी देखता रहता था जब छोटा था। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जो भी काम करें मेहनत से करें, चाहे बड़ा काम करें चाहे छोटा काम करें, बेकार ना रहें, कुछ ना कुछ करें। जनपद वासियों देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? यही कि अगर आप देश के लिए अगर आप कुछ सोचते हैं, तो अगर आपका बेटा अगर जाना चाहता है आर्मी में, तो उसको प्रेरित करें और मेहनत करें उसी हिसाब से, उसका सपोर्ट करें। खाओ भैया खाओ। Gracias.
क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी राठौर। मैडम ये बताएं, आपका बेटा लेफ्टिनेंट बन गया है जी। और जिले में पहली बार आया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको मतलब इसने कैसा रहा स्वभाव, बचपन में कैसा था ये बताएं थोड़ा सा। बहुत अच्छा था, कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया इसने। अच्छा अच्छा, तो आपके सर जो हैं वो भी सेना में जवान हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन कैसे, क्या इसकी परवरिश की, क्या मतलब बताएं थोड़ा सा। जैसे मतलब कहाँ से, मतलब ये कैसे, मतलब इनको रुचि थी कि नहीं सेना में जाने की? इसको तो शुरू से ही है रुचि। अच्छा, सेना में जाने की शुरू से ही इसको अच्छा लगता था, स्टार वाला। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही लड़का है। एक ही लड़का है जी। तो सेना में चला गया ये, मतलब अब कैसा लग रहा है? सेना में गया ये है तो गर्व की बात। अच्छा अच्छा, यही है, मैं अकेली रहेगी तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आपको बता दें कि सूरज ने प्रारंभिक शिक्षा फतेहगढ़ के आर्मी स्कूल से प्राप्त की, जिसके बाद हाई स्कूल 2015 में और इंटरमीडिएट 2017 में पास करने के बाद पहली बार ट्रेनिंग ऑफिसर एकेडमी गया। फिर 2018 में ही सेना में चयनित हो गए और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लेफ्टिनेंट पद हासिल किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।